स्पा सेंटर की आड़ दे विच चल रहे दे व्यापार के धंधे का पुलिस के वलों पर्दाफाश किया गया। दस दिए कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली सी कि इस मॉल के अंदर एक स्पा सेंटर है ते इस स्पा सेंटर के अंदर धड़ल्ले दे नाल दे व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है। जिस तो बाद पुलिस के वलों अपनी वख-वख टीमां बना के जदों तीन स्पा सेंटर के उत्ते रेड की गई तो उस दे विच 15 औरतों को हिरासत दे विच लिया ते नाल ही तीन व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस दौरान दसिया जा रहा है कि जो पुलिस इन्हां स्पा सेंटर दे विच रेड करन गई तो एक बार तो पुलिस मुलाजमान के भी अंदर के हालात देख के होश उड़ गए कि आखिर किस तरीके दे नाल ए अंदर पाए गए ने। हालांकि मौके के उत्ते पुलिस के वलों इन्हां सारयां नूं ही हिरासत दे विच लै लिया। तो सोनीपत तो एक खबर सामने आई है जिथे कि एक मॉल के अंदर स्पा सेंटर चल रही थी ते स्पा सेंटर की आड़ दसिया जा रहा है कि धड़ल्ले दे नाल ते व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है जिथों की हुण 15 औरतों को हिरासत दे विच लिया जबकि तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के वलों अगली जाँच शुरू कर दी गई है। मैं PSI नवीन कुमार, आज पुलिस को सूचना मिली थी कि KFC मॉल में स्पा सेंटर के यार्ड में देह व्यापार किया जा रहा है, जिस पर SCP साहब हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन करके रेड की गई। जो मौका से तीन अलग अलग जगह स्पा सेंटर से 15 महिलाएं व 3 पुरुषों को ITP एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके हिरासत में लिया गया है। जो मुकदमा में आगामी कार्रवाई जारी है, सर भी इस बारे में जो भी सूचना होगी आपको बताएंगे। मैं PSI नवीन कुमार, आज पुलिस को सूचना मिली थी कि KFC मॉल में स्पा सेंटर के यार्ड में देह व्यापार किया जा रहा है, जिस पर SCP साहब हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन करके रेड की गई। जो मौका से तीन अलग अलग जगह स्पा सेंटर से 15 महिलाएं व 3 पुरुषों को ITP एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके हिरासत में लिया गया है। जो मुकदमा में आगामी कार्रवाई जारी है, सर भी इस बारे में जो भी सूचना होगी आपको बताएंगे। स्पा सेंटर की आड़ दे विच चल रहे दे व्यापार के धंधे का पुलिस के वलों पर्दाफाश किया गया। दस दिए कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली सी कि इस मॉल के अंदर एक स्पा सेंटर है ते इस स्पा सेंटर के अंदर धड़ल्ले दे नाल दे व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है। जिस तो बाद पुलिस के वलों अपनी वख-वख टीमां बना के जदों तीन स्पा सेंटर के उत्ते रेड की गई तो उस दे विच 15 औरतों को हिरासत दे विच लिया ते नाल ही तीन व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस दौरान दसिया जा रहा है कि जदों पुलिस इन्हां स्पा सेंटर के विच रेड करन गई तो एक बार तो पुलिस मुलाजमान के भी अंदर के हालात देख के होश उड़ गए कि आखिर किस तरीके दे नाल ए अंदर पाए गए ने। हालांकि मौके के उत्ते पुलिस के वलों इन्हां सारयां नूं ही हिरासत दे विच लै लिया। तो सोनीपत तो एक खबर सामने आई है जिथे कि एक मॉल के अंदर स्पा सेंटर चल रही थी ते स्पा सेंटर की आड़ दसिया जा रहा है कि धड़ल्ले दे नाल दे व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है, जिथों की हुण 15 औरतों को हिरासत दे विच लिया जबकि 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के वलों अगली जाँच शुरू कर दी गई है। मैं PSI नवीन कुमार, आज पुलिस को सूचना मिली थी कि KFC मॉल में स्पा सेंटर के यार्ड में देह व्यापार किया जा रहा है, जिस पर SCP साहब हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन करके रेड की गई। जो मौका से तीन अलग अलग जगह स्पा सेंटर से 15 महिलाएं व 3 पुरुषों को ITP एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके हिरासत में लिया गया है। जो मुकदमा में आगामी कार्रवाई जारी है, सर भी इस बारे में जो भी सूचना होगी आपको बताएंगे। मैं PSI नवीन कुमार, आज पुलिस को सूचना मिली थी कि KFC मॉल में स्पा सेंटर के यार्ड में देह व्यापार किया जा रहा है, जिस पर SCP साहब हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन करके रेड की गई। जो मौका से तीन अलग अलग जगह स्पा सेंटर से 15 महिलाएं व 3 पुरुषों को ITP एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके हिरासत में लिया गया है। जो मुकदमा में आगामी कार्रवाई जारी है, सर भी इस बारे में जो भी सूचना होगी आपको बताएंगे।